और जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली नेशन में। बल्लभगढ़ लव जिहाद पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा। जी हाँ, जिस तरह से कंगना रनौत अपने आक्रामक रुख के नजरिए से देखी जाती हैं, आज भी उन्होंने वही किया है। क्योंकि लव जिहाद का मामला अब खत्म होना चाहिए, अब लव जिहाद पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं पूरी वीडियो की तरफ कि आखिरकार कंगना रनौत ने क्या कहा है। वहीं पर कंगना रनौत का एक्शन भरा ये बयान जरूर उन जाहिलों को, उन गद्दारों को, उन आरोपियों को ठेस पहुंचाएगा जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। यानी कि कंगना रनौत का स्पष्ट शब्दों में बात करें तो कंगना रनौत का कहना है कि इन सबको फांसी दो। जी हां, और आज देश की जनता भी यही कहना चाह रही है कि इन जैसे दरिंदों को फांसी दो। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका जिंदा रहना बहन बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। बता दूं आपको, सुशांत सिंह राजपूत मामले में बेहद सक्रिय रही। मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अब हरियाणा की बेटी निकिता के लिए न्याय की मांग की है। फरीदाबाद से सटे बल्लभगढ़ में लव जिहाद की नाकाम कोशिश की शिकार हुई हरियाणा की बेटी के इंसाफ के लिए हर तरफ से आवाज उठ रही है। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी आरोपियों को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए निकिता के साथ बर्बरता करने वालों को जिहादी बताया है। बता दें आपको, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मामले में बेहद सक्रिय थी कंगना रनौत। जिस तरह से कंगना रनौत ने बताया कि हाल ही में सुशांत सिंह मामले में जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया और उसके बाद से हरियाणा के केस में भी कंगना रनौत शांत नहीं है, इसमें भी वो एक्शन में है। चलिए, उन्होंने एक ट्वीट किया है जो मैं आपको बता दूं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, फ्रांस में जो हुआ उससे पूरी दुनिया हैरान है, फिर भी इन जिहादियों को कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। एक हिंदू छात्रा को उसके कॉलेज के बाहर दिन के उजाले में गोली मार दी जाती है क्योंकि उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, कंगना ने लिखा है, #WeWantEncounterOfTaufeeq लिखा है। सोचे साहब, यानी कि देश की जनता अब तौफीक को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखना चाहती है। आपकी भी क्या राय है, आप भी बताइए। और जो ये हत्यारे हैं, आज भी ये जेल में, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था उसी दिन, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है? क्या कांग्रेस बताएगी, क्या कांग्रेस सच दुनिया के सामने रखेगी कि आखिरकार इस तौफीक की हिम्मत और हौसले को बुलंद करने वाले इसके परिवार हैं या कांग्रेस है? दिन दहाड़े हमला कर देना ये कोई आम बात नहीं है। ये हरकतें या तो आतंकवादी करते हैं या तो कोई बहुत बड़ा शत्रु करता है। लेकिन जो ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस का हाथ है, अगर कांग्रेस का हाथ नहीं है तो कांग्रेस अपना हाथ हटा तो ले। कांग्रेस शांत क्यों बैठी हुई है? कांग्रेस अगर नहीं शामिल है तो साफ साफ बता दे कि हाँ, इस बंदे ने, इस तौफीक ने हमारी पार्टी में रहते हुए, उसके खानदान पूरा उसी पार्टी में है, कि तौफीक ने गलत किया है और इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस कुछ भी नहीं बोल रही, कांग्रेस शांत है और इस बात से अज्ञात है, इस बात की कांग्रेस को जानकारी नहीं है कि देश दुनिया भूल जाएगी। साहब, ये भूलेगी नहीं, याद रखेगी। और हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव भी होने हैं, आपकी क्या औकात है, दुनिया दिखा देगी। क्योंकि ये सब मुद्दे मिटाए नहीं, छिपाए नहीं, बल्कि वक्त पड़ने पर दिखाए जाते हैं। और उस वक्त कांग्रेस को दिखाया जाएगा तो शायद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। आज हरियाणा की एक बेटी नहीं बल्कि देश में ऐसी कई बेटियां हैं जो लव जिहाद का शिकार होती हैं। कांग्रेस के जमाने से लव जिहाद चला आ रहा, कांग्रेस लव जिहाद मिटाने के नाम पर शून्य क्यों है? कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है कि लव जिहाद मिटे? अब सवाल यहां भी उठता है कि मोदी क्यों नहीं चाहते?
सवाल यहाँ भी उठता है, और कुछ लोग कहेंगे कि आप कांग्रेस का ही नाम क्यों ले रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे। तो साहब, नरेंद्र मोदी को भी मैं कहता हूँ, नरेंद्र मोदी को भी ध्यान देना पड़ेगा। और लफ्जिहाद जैसी चीज को, लफ्जिहाद जैसे आतंकी संगठन को मिटाना होगा, क्योंकि बहुत बेटियां बलिदान दे चुकी हैं लफ्जिहाद में। तौफीक ने बयान दिया है, थाने में तौफीक ने बयान दिया है। तौफीक का कहना है कि निकिता किसी और लड़के से शादी करने जा रही थी, मैंने उसे मना किया कि वो शादी ना करे, लेकिन फिर भी निकिता नहीं मानी और शादी करने के लिए राजी हो गई थी किसी दूसरे लड़के के साथ, इसीलिए मैंने गोली मारी। सोचे साहब, अब इनका इस्लाम, इनका लफ्जियात और इनका आतंकी बताएगा कि किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ शादी नहीं करनी है। अब इनके आतंकवाद पर डिपेंड रहेंगी भारतीय लड़कियां, पूछता है भारत, और बताना पड़ेगा देश की सरकार को। मैं यहां पे नहीं छोड़ रहा हूं नरेंद्र मोदी को, और ना ही छेड़ रहा हूं राहुल गांधी को, लेकिन बताना पड़ेगा, इस मामले को यूं ही नहीं शांत किया जा सकता। निकिता जैसी, जैसे कि मैंने पहले कहा है, निकिता जैसी ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो रोजाना शिकार होती हैं, हमें क्या पता ना पता चलता हो, हमें कैसे यकीन हो कि हमें ना पता चलता हो, लेकिन फिर भी देश दुनिया में आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि क्या घटनाएं हुई हैं और क्या घटनाएं होने वाली। लेकिन फिर भी लफ्जिहाद जैसी बीमारी को, लफ्जिहाद जैसे आतंकी संगठन को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप कंगना रनौत का सपोर्ट करते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए वीडियो समाप्त कर रहे हैं, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।